दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है मोबाइल कीबोर्ड के प्रो सीक्रेट ऐसे फीचर्स बताऊंगा जिनको यूज करके आपकी टाइपिंग स्पीड 10 गुना फास्ट हो जाएगी। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला फीचर्स आता है ड्रॉ राइटिंग का। इस फीचर में आप नॉर्मल टाइप करते हैं तो वैसे ही आपको जो है अपने उंगली को जो है कीबोर्ड के ऊपर ऐसे घुमाना है जैसे कि आप जो है कुछ डॉट्स को जो आपस में मिला रहे हैं। आप जिन जिन अल्फाबेट्स के ऊपर अपने फिंगर्स को घुमाएंगे वो लेटर टाइप होता जाएगा, प्रेस करते पूरा वर्ड टाइप हो जाएगा। दूसरा फीचर्स आपके जो है बैक स्पेस को लेकर हैं। आपने बहुत सारे सेंटेंस को जो है एक साथ कट करना है या फिर किसी लाइन को काटते हैं तो आप बार बार उस पर क्लिक करते हैं या उसको जो है होल्ड टैप कर रखते हैं तो ये कट होता है। तो इसके लिए आपको जो है बैक स्पेस के ऊपर जो है होल्ड टैप करके रखना है, फिर उसके बाद अपनी फिंगर को जो है लेफ्ट साइड में स्वाइप करना है। जैसे कि आप कोई सेंटेंस सेलेक्ट कर रहे हैं, आप जैसे जैसे स्वाइप करेंगे वो सारा सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा। अब जैसे आप छोड़ेंगे तो वो सारे पैराग्राफ या फिर जो भी सारे मीनिंग्स लिखे हुए थे वो सारे जो है डिलीट हो जाएंगे। तीसरा फीचर्स आता है आपके लाइव गूगल ट्रांजेक्शन का। अब नॉर्मली अगर किसी वर्ड का जो है आपको हिंदी में मतलब जाना होता है या फिर किसी अदर लैंग्वेज में आपको जो है गूगल ट्रांजेक्शन में जाना पड़ता है या फिर गूगल पर जाकर चेक करना होता है, लेकिन आपको जो है ऊपर जो है एरो का निशान दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको गूगल ट्रांजेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। अब जो भी आप यहाँ टाइप करेंगे तो उसका जो है मतलब जो है ऊपर अपने आप हिंदी में टाइप हो जाएगा। कोई भी वर्ड लिखूंगा तो सीधे वो जो है हिंदी में चेंज कर देगा, आपको जो है किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला फीचर्स आता है क्लिपबोर्ड का। अगर आप नॉर्मल किसी सेंटेंस को जो है कॉपी करते हैं फिर उसके बाद उसे पेस्ट कर देते हैं, अगर आपने जो है 2 से 3 सेंटेंस कॉपी कर लिए तो आपके जो है वो एक ही कॉपी होगा। तो इसको जो है बहुत सारे सेंटेंस को एक साथ कॉपी रखने के लिए आप जो है कीबोर्ड में एरो पर आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको जो है 3 डॉट्स का ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है क्लिपबोर्ड का, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको जो है इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आप जितने भी टेक्स्ट आपने कॉपी किए थे वो सारे आपको यहाँ पर शो कर जाएंगे। 5वां फीचर्स आता है आपका हिंदी लैंग्वेज के लिए। कोई भी वर्ड जो है अगर हिंदी में टाइप करना तो आप जो है नॉर्मली जो है हिंदी में टाइप करते हैं आपको जो एक एक वर्ड टाइप करना पड़ता है, आप जो लिखना चाहे उसे एक एक वर्ड टाइप करना पड़ता है, लेकिन आप जो है यहाँ पर जो है इंग्लिश टू हिंदी इस ऑप्शन को इनेबल कर देंगे। अगर इसको ऑप्शन करने के बाद आप जो भी आप सेंटेंस लिखेंगे आप जैसे जैसे आप इंग्लिश में लिखेंगे वो ऊपर जो है ऑटोमेटिकली जो है हिंदी में चेंज हो जाएगा। आप जो भी वर्ड लिखेंगे वो ऊपर जो है हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा, जैसे कि आपने जो हिंदी में लिखा हो उस तरह से ये चेंज हो जाएगा। इन सभी फीचर्स में से आपका फेवरेट फीचर्स कौन सा था नीचे कमेंट्स करके जरूर से बताना। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।